कटिहार के कई इलाके गंगा नदी में आए उफान की वजह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे बिगड़ते हालातों में प्रशासन ने सामूहिक रसोई घर और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों के आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था करने का दावा किया है, लेकिन मनिहारी की दुखनी देवी के दर्द ने सरकारी दावों की पोल खोल कर रखती है। इन लोगों की माने तो राहत तो दूर की बात, अब तक कोई पूछने भी नहीं आया है। पानी घर द्वार सब डूब गया, खाने बनवार में तवा है, बाल बच्चा रहते दूठो डूब गया, वो भी छा कर कर रखा, सांप गोजर सब कर गोजर मजगर सब चाहता है पानी में, कहाँ जाइएगा आप बताइए। कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, एक कोकर में कुछ नहीं मिला, नेता फेता कुछ नहीं। हाँ, कुछ का सहारा नहीं है, कुछ का सहारा ना, एकदम मरो तो अपना भाग से जियो तो अपना भाग से। हम लोग का गांव में पानी घुस गया है और कोई सरकारी सुविधा नहीं है, हम लोग जाए से जाए कहाँ। अब हम लोग बांध पर जाने के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने जगह स्थान के लिए अपना चिन्हित जगह किए हैं, लेकिन रेल का भी उधर खतरा है, ना जाने कब कोई हादसा हो सकता है। और अभी तक हमारे कितने घर डूब गए हैं यहाँ पर? लगभग पूरे गांव डूब चुका है। कितना परिवार हो, कितना आदमी है? लगभग 700 के लगभग परिवार है, जो कि जनसंख्या लगभग पूरे 1500 के लगभग है। तो रेलवे लाइन कितनी दूरी पर है पानी? रेलवे लाइन 100 मीटर के दूरी में है और सबके घर आंगन में पानी है। प्रशासन की तरफ से कोई आया? प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है, हम लोग आशे उम्मीद में पड़े हुए हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग सरकार के तरफ से कोई सहायता उपलब्ध हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वही जिला अधिकारी बाढ़ से बिगड़ते हालात की बात को मानते हुए समुचित व्यवस्था के तहत बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुँचाने का दावा कर रहे हैं। जिले में वर्तमान में गंगा में पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण मनिहारी सब डिवीजन सर्वाधिक प्रभावित है, जिसके मनिहारी और अहमदाबाद दोनों ही अंचल में कुछ पंचायतें प्रभावित हुई है। साथ ही जो कटिहार सब डिवीजन के मनसाही और बराड़ी और कुरसेला, कुल मिलाकर अभी 35 पंचायतें हमारे 5 प्रखंड के प्रभावित हैं और लगभग 1 लाख जनसंख्या इससे प्रभावित है। आवागमन के लिए हम लोगों ने बोट उपलब्ध कराए हैं, लगभग 70 नाव अभी प्रचालित की जा रही है। साथ ही अहमदाबाद, मनिहारी और बराड़ी में कुल 5 कम्युनिटी किचन प्रारंभ किए गए हैं और अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, अंचल पदाधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जहां भी जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार सभी तरह की राहत पहुँचाना हमारा जनता को हमारा कर्तव्य है और हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। निश्चित तौर पर प्राकृतिक आपदा की इस बड़ी त्रासदी के बीच जितनी भी व्यवस्था की जाए सब शायद कम ही है, मगर प्रशासन को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि बाढ़ पीड़ितों को इतनी राहत तो कम से कम मिल ही जाए, जिससे कुछ दिन के लिए ही सही पर उन लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। कटिहार से न्यूज़ के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।